हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेहंदी आर्टिस्ट चिकानी। हाँ, आज मैं आपको ब्राइड का साइड फेस ड्रॉ करना सिखाऊंगी, जिसके लिए आप सबसे पहले ड्रॉ करोगे एक सर्कल और उसमें एक डॉट ड्रॉ करोगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में ब्राइड का फोरहेड ड्रॉ करेंगे। फोरहेड ड्रॉ करने के लिए हम एक छोटी सी कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर एक सी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप, मैं हर फेस की हर पार्ट को जो है तोड़ तोड़ कर जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप आप सभी को पसंद आएगा और आप इससे सीखेंगे। तो इसी तरीके से हमने अभी जो है फॉरहेड ड्रॉ किया था, अब उसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तिरछी लाइन हमने ड्रॉ किया है जो हमने नोज़ ड्रॉ करने के लिए बनाई है। अब फोर्थ स्टेप में हम नोज़ पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप देखोगे तो ये इस तरीके से लगेगा, जैसे ज़ीरो के साथ सी ड्रॉ किए है और एक उल्टा सेवन, इस तरीके से हमने कर दिया। फिफ्थ स्टेप में हम लिप्स ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आप जो है लिप्स ड्रॉ करोगे। अब लिप्स ड्रॉ करने के बाद हम ब्राइड का चिन पोर्शन जो है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने इस तरीके से जो राइट का साइन हम मारते हैं वो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। एक तरीके से देखोगे तो आप राइट का साइन है ये हमने उनका चिन जो है ब्राइड का ड्रॉ कर दिया है। अब हम पूरा स्टेप फिर से दोहराएंगे। अब यहाँ मैंने डॉट करके और लिप्स का पोर्शन जो है पूरा अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। एक डॉट लगाइए और लिप्स में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की है जो हमारा ब्राइड को स्माइलिंग फेस जो है उसका बन जाएगा। अब हम पूरा का पूरा फिर से ड्रॉ करेंगे। अब हम ब्राइड का जो है हेड पोर्शन, जो उसके माथे पर जो मांग टिक्का टाइप का होता है, उस तरीके का जो है हम ड्रॉ करेंगे। आप जो है थ्री लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर एक पट्टी टाइप में जो है मांग टिक्का ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ हम ईयर ड्रॉ कर देंगे और उसी से जॉइंट करते हुए हम इसका ब्राइड का ईयरिंग ड्रॉ कर देंगे। ईयरिंग आप कैसा भी, सिंपल सोबर, जैसा भी आपको सही लगे आप वैसा ड्रॉ कर सकते हो। अब हम आए हैं नाइन्थ नंबर पर और इसमें हमारी ब्राइड का जो है हेड पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे भी आप जो है अपनी ब्राइड को जो भी ज्वेलरी वगैरह, जिस तरीके का गजरा वगैरह उसके हेड पर बनाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वो चीज़ आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से ही किया है। मैंने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ कर इसलिए बताया है क्योंकि ये आपके लिए इजी होगा समझने में। तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से, इस स्टेप से जो है ब्राइड का फेस ड्रॉ करना सीख सकते हो। ये मैंने उसका नेक पोर्शन ड्रॉ कर दिया है। अब हेड पोर्शन जो है मैं ड्रॉ करूँगी। तरीके से मैंने स्कैल्प लेयर जो है ली है
और उसी से ज्वाइंट करते हुए मैंने किया है। अभी मैंने ब्राइड का हमारा पूरा फेस रेडी हो चुका है, जो एक चीज़ नहीं बनी है वो है ब्राइड की आइज। तो अब ये 10th हमारा जो नंबर है, इस पर हमारी जो ब्राइड है पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप स्टेप 1 से स्टार्ट करोगे तो 10 पर जब आप पहुंचोगे तो आपकी पूरी ब्राइड कंप्लीट तरीके से बन जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है उसके गजरे का जो है वो कर रही हूँ। अच्छे से डिज़ाइनिंग करके आप किसी भी तरीके से आप जो है ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने स्वर्ल और स्कैल्प का यूज़ करके जो है उसका गजरा एक तैयार किया है, और अब हम इसमें जो है पिनिंग करेंगे। और यहाँ कुछ लीव्स ऐड करके मैं गजरे को जो है डेकोरेट कर रही हूँ। आप भी कुछ भी इस तरीके का कर सकते हो। ये आपकी ब्राइड को जो है सुंदर दिखाता है, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। तो आप भी इस तरीके के एलिमेंट्स यूज़ करके अपनी ब्राइड को और भी खूबसूरत बना सकते हो। यहाँ हेड पर मैंने इस तरीके का जो इस लगाए रहते हैं ब्राइड के हेड पर कुछ एलिमेंट्स टाइप के, जिससे ब्राइड के हेयर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ इसी तरीके से मैंने एक फ्लावर्स जो है बनाया है ब्राइड के हेड पर। ये हमारी ब्राइड जो है लगभग तैयार हो चुकी है, बस हमने क्या नहीं बनाया, पूरा हमने हेड पोर्शन पूरा अच्छे से हमने सब कुछ तैयार कर दिया है। बस हमारी ब्राइड की जो है आईज तैयार नहीं हुई है। अब आईज कैसे बनाएंगे ये हम आप इस तरीके से सीखोगे। अब आइज बनाने के लिए आपको एक कर्व लाइन इस तरीके से जो है ड्रॉ करनी है, इस तरीके से आपको पीछे से हल्का सा उठा हुआ होना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करोगे और उसको पीछे की ओर खींचते हुए आगे से एक उठा हुआ इस तरीके का जो हमारा आइज के ऊपर का पोर्शन वो करेंगे, और इस तरीके से एक डॉट करके साइड से एक लाइन करके हम आइज ड्रॉ करें। ये सारे स्टेप्स हैं, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फर्स्ट में हमने क्या क्या किया है, ये स्टेप सारे के सारे आप एक पेपर पर ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी ये स्टेप्स ड्रॉ करने में। इस तरीके से आप इजीली सीख सकते हो ब्राइड फेस। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।